Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now, question number 6. The calorific values of 5 fuels A, B, C, D and E are given below. ये वैल्यूज दी हुई हैं, ए के लिए है 17 किलो जूल पर ग्राम, बी 30 किलो जूल पर ग्राम, सी 48 किलो जूल पर ग्राम, डी 50 किलो जूल पर ग्राम एंड ई 150 किलो जूल पर ग्राम। ये सारी पांच फाइव फ्यूल्स की जो है कैलोरीफिक वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द गिवन फ्यूल्स आर कुकिंग गैस, अल्कोहल, वुड, हाइड्रोजन एंड केरोसिन। अब आपको यूसेज के हिसाब से आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा फ्यूल जो है वो कुकिंग गैस है, कौन सा है अल्कोहल, कौन है वुड, हाइड्रोजन और केरोसिन, उनके कैलोरीफिक वैल्यूज आपको दिए हैं। तो ये एक्चुअल में याद करने के लिए नहीं है कि किस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, यूसेज के हिसाब से, ठीक है। आपको पता है हम अल्कोहल जो है कुकिंग के लिए यूज नहीं करते, ठीक है। वुड पहले किया जाता था, अब नहीं करते। हाइड्रोजन भी नहीं करते, केरोसिन करते थे और कई जगह अभी मतलब गांव के एरिया में अभी भी केरोसिन का यूज होता है। तो कुकिंग गैस तो हम यूज करते ही हैं कुकिंग पर्पस के लिए। तो ये यूसेज किस पे बेसिस है, किस पे बेस्ड है कि उनकी कैलोरीफिक वैल्यू मॉडरेट होगी क्योंकि तो उतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें चाहिए होती है एक फूड को प्रिपेयर करने के लिए, हमें बहुत हाई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं चाहिए होता, ठीक है। तो आप कंपेयर करके देख भी सकते हो, हाइड्रोजन जो होता है हम उसको कुकिंग में यूज नहीं करते, उसको हम रॉकेट फ्यूल की तरह यूज करते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि उसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो यूसेज के हिसाब से समझ में आ रहा है कि जो 150 किलो जूल पर ग्राम है वो हाइड्रोजन ही हो सकता है, ठीक है। ऐसे केरोसिन, वुड और कुकिंग गैस, इनको हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वुड और केरोसिन को अगर कंपेयर करें तो वुड पहले यूज किया जाता था क्योंकि और अल्टरनेट सोर्सेस नहीं थे, लेकिन वुड में उतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नहीं मिलती है, तो उसको रिप्लेसमेंट किससे किया गया, कुकिंग गैस से रिप्लेस किया गया, केरोसिन से रिप्लेस किया गया, राइट। तो ये एक कंपैरिजन हो गया। अब इसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि कौन सा फ्यूल की वैल्यू क्या है, ठीक है। मतलब हम फ्यूल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके कैलोरीफिक वैल्यू के बेसिस पे। तो जो मैंने अभी डिस्कस किया उसके बेसिस पे, वुड जो कि कुकिंग में यूज तो होता था, अब उसका बैन कर दिया गया क्योंकि स्मोक ज्यादा प्रोड्यूस होता है, वो बहुत लो कैलोरीफिक वैल्यू है उसकी, मतलब बहुत लेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो 17 किलो जूल पर ग्राम जो है वो वुड का ही है जो गिवन डेटा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देन अल्कोहल को हम कुकिंग में यूज नहीं कर सकते, ठीक, या नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बहुत कम भी नहीं होगी, लेकिन वुड से तो ज्यादा ही होगी। 30 किलो जूल पर ग्राम जो है वो अल्कोहल का होगा, 48 किलो जूल पर ग्राम जो है वो किसका है, केरोसिन का, जो कि कुकिंग के लिए यूज होता है, एक अच्छे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी वो रिलीज करता है। कुकिंग गैस उससे बेटर है, इसलिए 50 किलो जूल तो उसी की होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज हम केरोसिन को प्रेफर करते हैं, राइट। और 150 किलो जूल पर ग्राम जो है वो हाइड्रोजन का ही होगा, क्योंकि हम उसको कुकिंग में नहीं यूज करते, हम रॉकेट फ्यूल की तरह यूज करते हैं, इसका मतलब उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मींस हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू उसकी होगी। इस तरह से गिवन डेटा के बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा फ्यूल है जिसकी हमें कैलोरीफिक वैल्यूज दी गई, ठीक है।